वेलकम टू दी माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देख चुका कि मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आपका मोबाइल खो जाता है तो उसका कंप्लेन लिखवाने से पहले उस मोबाइल को हम कैसे खुद ही पता कर सकते हो, मेरा मोबाइल कहाँ हो, कहाँ है कहाँ नहीं। सपोज दैट आप कंप्लेन लिखवाने चले गए और आपका मोबाइल आपके घर में ही हो तो बेइज्जती की बात हो जाएगी। तो ऐसा ना हो इससे पहले हम क्या करें, अपना मोबाइल खुद पता कर लें वो कहाँ है। ठीक, तो देखिए हमारे मोबाइल में या जो हम एंड्रॉयड स्मार्टफोन चलाते हैं या हम आईफोन चलाते हैं तो उसमें दो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है ना। फाइंड माई फ़ोन गूगल में पाया जाता है, फाइंड माई फ़ोन, और जो हमारा एप्पल होता है उसमें आई क्लाउड पाया जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो आप एंड्रॉयड में फाइंड माई डिवाइस के नाम से एक ऑप्शन होता है, उसको ऑन करना पड़ेगा और मोबाइल का लोकेशन ऑन होना चाहिए था, जो इस समय सारे एप्लीकेशन बिना उसके रिक्वायरमेंट के नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारे सिस्टम में हमारा जीपीएस ऑन रह रहा है और सबके मोबाइल में सबका ईमेल आईडी लॉगिन होता ही होता है, ठीक है ना। और जो हमारा एप्पल होता है, एप्पल आईफोन, उसमें आई क्लाउड होता है, उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपने फ़ोन को आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले आप जिसको प्राप्त करना है, या एंड्रॉयड वो मिल सकता है या आईफोन मिल सकता है। अगर वो छोटा मोबाइल होगा उसके पास, ठीक है ना, तो छोटा मोबाइल होगा तो क्या होगा, उसको आप नहीं फाइंड कर पाओगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, जीएसएम मोबाइल में उसमें आपका ईमेल आईडी लॉगिन नहीं होता है, ठीक है ना। तो उसको आप क्या करोगे, फाइंड नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको FIR लिखवाना पड़ता है, उसकी एक कॉपी ले आनी पड़ती है, उसके बाद आप रिटेलर के पास जाओगे, उसको वहां पे जमा करोगे, और जमा करने के बाद वो क्या करता है, आपके सिम को लॉक कर देता है, ठीक है ना। बस यही हो सकता है, और मोबाइल आपका मिले या ना मिले वो भगवान जाने, क्योंकि कोई ठिकाना नहीं होता है कि वो मोबाइल बाद में आपको मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका एंड्रॉयड हो या आपका क्या है, आईफोन हो, तो उसे आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। आप सोचते हो IMEI नंबर से क्या हम मोबाइल प्राप्त कर सकते हैं, तो सबसे पहले जान जाओ IMEI नंबर होता क्या है, ठीक है ना। तो IMEI का पूरा नाम होता है इंटरनेट, ठीक है ना, इंटरनेट ने इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ठीक है, यानी हमारे IMEI नंबर जो नाम होता है उसका मतलब होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ठीक। हर एक मोबाइल में 15 डिजिट का एक IMEI नंबर होता है, जब मोबाइल हमारी बन के कंपनी से निकलती है तो वो उसमें पिन की जाती है, आप मोबाइल के बॉक्स पे, ठीक है, या आपके मोबाइल के कवर के पीछे, बैटरी के नीचे, बैटरी के ऊपर, वहां पर भी लिखा रहता है। या अगर उस चीज से भी नहीं प्राप्त करेंगे आप, ठीक, तो आप अपने मोबाइल में *#06# *#06# टाइप करेंगे तो वो आपका IMEI नंबर मिल जाता है, ठीक है ना। तो देखिए सपोज दैट आपका मोबाइल खो गया है तो आप क्या करना है, आपको सबसे पहले गूगल पे, तो देखिए मैं ये गूगल पे लॉग इन करके रखा हूँ, फाइंड माई डिवाइस, अगर आप नहीं है तो यहाँ पर करके भी दिखा देते हैं। आप लिखेंगे आप फाइंड माई फोन या डिवाइस, ऐसे करके इंटर करेंगे, ठीक। तो देखिए ऐसे आ जाएगा, ये दिखा रहा है कनेक्ट योर फोन, ठीक है ना। तो यही चीज़ इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये जो मेरा खुला हुआ है यही खुलेगा आपके पास, ठीक। तो देखिए ये मेरे पास खुल गया है। अब देखिए सपोज दैट हम अपने मोबाइल को ये मानते हैं मेरा मोबाइल खो गया है या घर में कहीं छूट गया है, ठीक। तो ये देखिए ये मेरा मोबाइल है, सपोज दैट हम इसको मानते हैं क्या है, ये खो गया है, ध्यान से देखिए, ठीक। अब हम क्या करते हैं, हम एक काम कर सकते हैं, इस मोबाइल से सारे डाटा को डिलीट कर सकते हैं, अगर मेरा मोबाइल खो जाता है तो मेरा डाटा लीक ना हो तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं, इसको रिंग करके पता कर सकते हैं क्या ये मोबाइल मेरे घर में ही तो नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस मोबाइल का जो हमारा ईमेल आईडी और पासवर्ड है उसको हमें लॉग इन करना पड़ेगा। तो मैं पहले से करके रखा हूँ तो यहाँ से चेंज करता हूँ, देखिए ये है, हम इसको यहाँ से ले लिए, ठीक। तो देखिए ये मेरे मोबाइल का नाम यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है, Redmi 8A Dual, इसी मोबाइल का नाम है जो आपको दिखा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे शो भी करने लगा ये मोबाइल मेरा यहाँ पर है, ये देखिए लोकेशन जो दिखा रहा है, ये घुगली नौरंगिया रोड के आसपास अंबिका इलेक्ट्रॉनिक सर्विस है, उसी के आसपास ये मोबाइल चल रहा है, ठीक। यहाँ तक ये भी बता रहा है इसमें वोडाफोन का सिम लगा हुआ है और 65% चार्ज है, ठीक है ना। अब देखिए इतना चीज बता दिया, अब देखिए यहाँ से आप इसको लॉक कर सकते हो, अपने मोबाइल को लॉक करोगे तो क्या होगा, ये मोबाइल आपका लॉक हो जाएगा, ठीक। या ये देखो लिखा है इरेज डिवाइस, एक मिनट ये फोटो हटाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है इरेज डिवाइस, ठीक है ना। तो ये इरेज डिवाइस पे करोगे तो तुम्हारे मोबाइल का सारा डाटा ऑटोमेटिक क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, ये सब गलती ना होके, ठीक है ना। तो इससे अच्छा है हम पहले चेक करते हैं कि ये मेरा मोबाइल कहाँ है। अब देखिए मैं इस पर चाहता हूँ कि एक रिंग बजे जिससे हमें पता चल जाए कि ये मोबाइल मेरा यहीं पे है, ठीक है ना। तो एक तो ये पता चल गया, ये जूम आउट करके भी देख सकते हो लोकेशन में, ठीक, ये हमारा मोबाइल दिखा रहा है कहाँ पर है, ठीक। तो हमें दिखा रहा है देखिए ये इंडिया में है, ये फुल्ली लोकेशन आपका दिखा रहा है, देखिए
ठीक, यानी ये गूगली में मेरा मोबाइल है, गूगली में कहाँ है, किस रोड पे, आप इसको जूम करते रहेंगे तो ये बताते रहेगा आपका मोबाइल कहाँ है, टोटली ये बता देगा। ठीक, अब चलिए हम इसमें साउंड करके दिखाते हैं मोबाइल। देखिए ये जो मोबाइल आपको दिखा रहे हैं कैमरे में, वो ध्यान से देखिए, अभी ये बजेगा, इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं, ठीक है ना, तो अभी बजेगा ये, देख लिया ना, अभी मिल गया मेरा मोबाइल, तो हम इसको स्टॉप कर देते हैं। यहाँ से हमने स्टॉप किया तो देखें ये स्टॉप हो गया, फिर से एक बार और चेक करके दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे करके आप अपने मोबाइल को आसानी से क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मान लीजिए आपका मोबाइल कहीं और था, घर में ही छूटा था, तो आप आसानी से इसे प्राप्त कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।